सो गाइस पठान मूवी यानी कि शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी बहुत ही धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। जी गाइस इस मूवी के पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और गाइस बहुत ही सेकंड फ्राइडे और सेकंड वीकेंड में ये मूवी अपने पावर रख चुकी है। जी गाइस तो पहले दिन इस मूवी ने धमाकेदार ओपनिंग करते हुए लगभग 55 करोड़ से धमाका करते हुए इस मूवी ने अपने पहले दिन का खाता खोला। और पहले से 9 दिन के बात करें तो इस मूवी ने पहले और 9 दिन के अंदर 350 करोड़ पार कर दिए। जी गाइस लगभग 351 करोड़ रुपए इसने अपने पहले 9 दिनों में कमाए यानी कि पूरे के पूरे वीरवार तक। जी गाइस अपने फ्राइडे की बात करें यानी कि 10वें दिन की। जी गाइस जो कि कल का दिन बीता है, कल के दिन भी इस मूवी ने धमाका करते हुए डबल डिजिट क्रॉस करते हुए इस मूवी ने 13.5 करोड़ रुपए का कमाल किया। जी गाइस 13.5 करोड़ का इस मूवी ने धमाका कर दिया। और टोटल कलेक्शन की बात करते हुए इस मूवी का जो आज तक यानी कि अपने 10 दिन तक जो कलेक्शन हुआ इस मूवी का वो हुआ गाइस 364.50 लाख रुपए का। जी गाइस 364 करोड़ रुपए का इस मूवी का कलेक्शन हुआ अपने 10 दिन के अंदर। आज है सैटरडे का दिन जो कि सेकंड सैटरडे है और आज ये मूवी थोड़ी सी ग्रोथ पाते हुए और भी मूवी धमाका करी। जी गाइस आज और या कल के अंदर ये मूवी दंगल का इंडियन नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है और वन ऑफ द हाईएस्ट बॉलीवुड की मूवी बन जाएगी। जी गाइस देखना दिलचस्प होगा कि इस मूवी का कमाल यानी कि कमाई लास्ट तक कितने तक जाते है? क्या ये मूवी KGF चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या फिर नहीं। जी गाइस इसी हफ्ते ये मूवी 400 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी और बहुत ही धमाकेदार शाहरुख खान का कमबैक हुआ है 4 साल बाद। जंग आए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं दोस्तों कि आने वाले वक्त में ये 400 करोड़ या फिर 500 करोड़ कितने दिन तक टच कर पाएगी। जंग आए कमेंट सेक्शन जरूर बताएं दोस्तों। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद एंड थैंक यू।